आज हम करेंगे क्वेश्चन राइट ह्यूमन वैल्यूज इन पेंटिंग भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। ह्यूमन वैल्यूज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। ये किसी भी पेंटिंग की आ सकती हैं ह्यूमन वैल्यूज़, और आज हम करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ इन पेंटिंग भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। जब भी किसी ह्यूमन वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग लिखना है, हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग। उसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ पेंटिंग भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, आर्टिस्ट ऑफ पेंटिंग गुमान, मीडियम टेम्परा वाटर कलर्स ऑन पेपर, स्कूल सब एंड सब स्कूल, स्कूल इज़ राजस्थानी स्कूल एंड सब स्कूल इज़ जयपुर सब स्कूल। इंट्रोडक्शन देने के बाद हम हेडिंग देंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटिंग, जिसमें हम पेंटिंग को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम आएंगे अपने मेन पॉइंट पर जो है ह्यूमन वैल्यूज़। हम हेडिंग देंगे ह्यूमन वैल्यूज़। अब इस हेडिंग के अंदर हम सब हेडिंग्स बना के जो भी वैल्यूज़ हमें इस पेंटिंग में मिल रही हैं उसको पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। हम सबसे फर्स्ट पॉइंट लेंगे रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इसलिए क्योंकि इस पेंटिंग में दिखाया है कि राम अपने से सभी बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, चाहे वो उनके गुरु हैं, उनकी माता है या कोई भी है, वो उनको सबको बहुत रिस्पेक्ट देते थे और बहुत पोलाइटली बात करते थे। तो हमें अपने जीवन में ये गुण लेकर आना चाहिए कि हमें अपने से बड़ों को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। राम अपनी मदर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, अपने गुरुओं को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो हमें भी अपने जीवन में ये चीज़ लेकर आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मींस माफ़ करना। रामायण में दिखाया गया है कि कैकेयी की वजह से राम को वनवास हो गया। कैकेयी ने अपने गुस्से की वजह से और दूसरों की बातों में आके राम को वनवास के लिए भेज दिया। पर जब वो भरत चित्रकूट में राम से मिलने आए और उनकी तीनों माताएं उसके साथ आई, तो राम सबसे पहले कैकेयी को मिले। चाहे वो कैकेयी की वजह से ही वन में रह रहे थे, पर उन्होंने कैकेयी को माफ़ कर दिया, उनके दिल में कोई गुस्सा नहीं था और उन्होंने सबसे पहले कैकेयी से मिले। वो हमें भी अपने जीवन में इस चीज़ को लाना चाहिए कि हमें अपने गुस्से को छोड़ देना चाहिए और दूसरों को माफ़ करने की आदत को अपने अंदर धारण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लव फॉर फैमिली। राम अपने परिवार को बहुत प्यार करते थे, चाहे वो उनके गुरु हैं, उनके भाई या उनकी माताएं या उनके पिता, राम सबको बहुत प्यार करते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। हमें भी अपने अंदर ये चीज़ लेके आनी चाहिए क्योंकि परिवार सबसे आगे है, तो हमें अपने अंदर ये गुण लेकर आना चाहिए कि हमने अपने परिवार को पूरी रिस्पेक्ट और पूरा प्यार देना है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट डू थिंग्स दैट यू विल रिपेंट लेटर। मतलब हमें अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें बाद में दुखी होना पड़े। जैसे कि कई ने अपने गुस्से की वजह से राम को वनवास भेज दिया, राम के साथ साथ लक्ष्मण भी चले गए और सीता भी चली गई, उन्हें अपने पति को खोना पड़ा, जब उनका बेटा आया तो बेटे ने भी उन्हें त्याग दिया, जिसकी वजह से उन्हें बाद में बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ उस चीज़ का। इस तरह से हमें ऐसा कोई भी काम अपने गुस्से में आके नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमें बाद में अफसोस हो। नेक्स्ट पॉइंट, एबिलिटी टू सेक्रीफाइस योर ओन कम्फर्ट्स फॉर अदर्स। हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए या हमें लेकर आना चाहिए अपने अंदर ये गुण कि हम दूसरों को की खुशी के लिए अपने कम्फर्ट्स का त्याग कर सकें। जैसे राम ने इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया सिर्फ अपनी माता की बात को मानने के लिए, कैकेयी की बात को मानने के लिए। उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि उसे जंगलों में जाकर रहना है, तो उसने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। तो इस तरह से हम में भी ये गुण होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। राम अपने गुरुओं की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसी तरह से हमें भी अपने टीचर्स को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि परिवार हमें सपोर्ट करता है, हमें आगे लेके जाता है,
पर जीवन में अगर हम कुछ बन पाते हैं तो वो सिर्फ टीचर्स की वजह से है। तो हमें अपने टीचर्स को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रदरहुड। इसमें भाई और भाई का प्यार दिखाया है कि लक्ष्मण राम को कितना प्यार करते थे, और भरत अपना सारा, जब वो राजा बन सकते थे फिर भी उन्होंने अपने भाई के प्यार के लिए सब कुछ त्याग दिया। इस तरह हमें भी अपने भाई बहनों को इसी तरह से प्यार करना चाहिए। तो ये एक ऐसी पेंटिंग है जिससे हमें बहुत सारी ह्यूमन वैल्यूज़ मिल रही हैं, क्योंकि राम का जीवन ऐसा था जो एक आदर्श जीवन था। तो अगर हम इसमें से कुछ भी ह्यूमन वैल्यूज़ अपनी लाइफ में ला सकें तो शायद हमारा जीवन भी उतना ही सफल हो जाएगा। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर होल सिलेबस ऑफ प्लस टू इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। थैंक यू।